हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बस मेरी यही इच्छा है, मेरी यही आशा है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और ये देखिए, आज का मौसम मैंने सोचा आपको दिखाऊं, कितना बढ़िया बारिश लगी हुई है। रात को ही बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, लेकिन कहीं आधी रात में थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। ये देखिए, फूल पौधे भी आज तो खुश हैं, अच्छी तरह से नहा रहे हैं। मम्मी गए हैं मंदिर, दरवाज़ा खुला हुआ है। अब मैं जाऊंगी, मैं नहा धो के ऊपर पूजा कराई हूँ मैं, और नीचे भी मैंने कर ली है धूप बत्ती। और अब मैं मंदिर जाऊंगी, मम्मी आ जाएं तो, क्योंकि पापा जी लेटे हुए हैं, एक जना चाहिए होता है घर में। और अभी बच्चे सोए हुए हैं, ये भी ऊपर सोए हुए हैं, तो ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। देख लीजिए, यहाँ तो सुनसान पड़ा हुआ है, पापा जी भी सोए हुए हैं, अभी दिया ध्रुव भी सो रखे हैं, और बस मैं और मम्मी जागे हुए हैं। अभी हम उठ जाते हैं, सास बहू सुबह ही जल्दी नहा धो के अपनी पूजा पाठ कर लिया। चाय बना रही हूँ मैं आज तो, थोड़ा फिर भी चाय पीने का मन कर रहा है, क्योंकि बारिश बारिश का मौसम है ना, बारिश लगी हुई है, तो थोड़ा सा दिल करता है ऐसे में पीने का। वैसे तो यही है कि सुबह सुबह जब तक चाय ना पियो, एक तसल्ली सी नहीं आती, नहीं तो चाय है तो हमारे लिए हानिकारक ही। पापा जी की थोड़ी कम मीठा डाल के निकाल के फिर अपने में थोड़ा सा मीठा और डालूंगी, वो बहुत कम मीठा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो आप सब लोग, सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, क्योंकि हमारा मंत्र है स्वस्थ रहो, मस्त रहो, या मस्त रहो स्वस्थ रहो। वैसे तो होना चाहिए मस्त रहो स्वस्थ रहो, अगर आप खुश रहोगे तभी आप स्वस्थ रह पाओगे, और अगर आप खुश नहीं रहोगे तो मस्त कैसे रह पाओगे। भिंडी हो गई है मेरी तैयार सब्जी, भून भान के देखें, अच्छे से भून गई है। अब मैं गैस करने लगी हूँ बंद, तो सब्जी हो गई है मेरी रेडी नाश्ते के लिए। हो गई है डन मेरी सब्जी, अब बंद करने लगी हूँ मैं अब गैस। पापा जी को भी नहला दिया मम्मी ने, अंदर बाथरूम में मैं और मम्मी ले गए थे, फिर मम्मी ने अकेले नहला दिया उनको, चेयर पे बिठा के ना, चेयर पे बिठा देते हैं बाथरूम में, और वहाँ नहला दिया। अब मम्मी कपड़े चेंज कर रहे हैं, फिर कुलदीप भैया आएंगे ना, वो ड्रेसिंग करने के लिए, अभी उनकी होती है पीछे एक हल्का सा जख्म था उसके लिए, तो ड्रेसिंग हो जाएगी उनकी और फिर वो फ्री, फिर एक दिन छोड़ के होती है, पहले तो डेली हुआ करती थी, अब एक दिन छोड़ के होती है। बाहर का मौसम देखिए नज़ारा अच्छा लग रहा है, तो बस देखो क्या पता आज बच्चे आ जाएं, संडे है, सोहम और गौरवी, सोहम मीनाक्षी आ जाएं, वो रोबी आता है ना दूध देने के लिए भी इधर, तो हो सकता है उनको ले आए, संडे है तो वो चलो चलते हैं मिल के आएंगे। नाश्ते की तैयारी मैंने कर दी है, भिंडी बना ली सब्जी में, दही है और आटा गूंदने लगी हूँ, उसके बाद नाश्ता हो जाएगा, ये भी 9 बजे तक निकल जाते हैं। दिया ध्रुव को भी उठाती हूँ अभी, और देखिए 8 बज गए हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, सो हम इज बैक गाइस। आज संडे है, तो आज हम सुबह सुबह आए थे मैं और गौरवी, और ये पीछे आप लोग देख ही सकते हो बड़ी माँ, जैसे कि वो खा रही है, ये देखो बड़ी माँ अभी नाश्ता कर रही है, हाँ ब्रेकफास्ट, और ये बैठी है गंदी हरकतें कर रही है। गाइस ये देखो गाइस मेरी कटिंग कैसी लगी आप लोग, और गाइस मेरी कटिंग आप लोग को कैसी लगी बताना जरूर जरूर बताना गाइस। ये देखो अच्छी लग रही है ना, देखो यहाँ पर कट भी है,
चलो फिर कट वही तो दिखाया, ये देखो गाइस गाइस एक बड़ा लंबा। तो गाइस अगर आप लोग यहीं कहीं रहते हो हमारे पास, तो एक दुकान है हरिद्वार में अगर आप लोग रहते हो, वो मेरे को याद नहीं आ रही कहाँ पर है, पता नहीं, वहाँ पे जहाँ से वो शुरू होती है ना, वो तो बड़ी रोड है जो लंबी, वो ऐसे इधर को जा रही है जो है ना जो, हाँ नहीं जो मतलब जैसे पहले एक छोटी, जब हम यहाँ से आगे जाते हैं तो जगदीश प्रॉपर्टी इसके आगे से मुड़ते हैं हम इधर है ना, तो उसमें जब उसमें आगे जाकर गाइस एक जगह है, हाँ जगदीश प्रॉपर्टीज के इधर से जाके, हाँ हाँ वही 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 भाई जगह है, वहां से कटिंग करा सकते हैं। देखो मेरी कितनी अच्छी करी उन लोगों ने, पर बड़ी मम्मा अभी लंच कर, वो सॉरी लंच बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट, और दिया दीदी अभी भी सो ही रही है, खो खो कराटे वगैरह। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और दादाजी कैसे हो, हाँ कैसे हो, ठीक हो, अच्छा और बताओ, पहले से तबीयत ठीक है? हाँ अब ठीक है, पहले से तबीयत पहले से कह रहे ठीक। अच्छा आर्ट ड्रेसिंग हो गई आपकी कि नहीं अभी? ड्रेसिंग नहीं हुई अभी। अच्छा चलो अभी कर देंगे, अभी भैया आएंगे ना? हाँ अभी भैया आएंगे ना वो करेंगे, हाँ तो गाइस जब भैया आने वाले हैं फिर वो ड्रेसिंग करेंगे, अभी भैया आने वाले हैं। हाँ और गाइस फिर मैं डॉक्टर सोम शर्मा हेल्प करवाएंगे दादाजी की ड्रेसिंग करने के लिए, चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद ही। गाइस तो गाइस अभी ये देखो दादाजी ना खुद ही खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, गाइस दादाजी खुद ही खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, गाइस तो रहना चप चप बिल्कुल चप, चला 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 गाइस बिल्कुल चुप रहना है, गाइस बिल्कुल चुप रहना, दादाजी खुद खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो देखते ना कि कोई है तो वो खड़े नहीं होते, फिर मैं आपके साथ ही रहूंगा गाइस, आओ थोड़ा पीछे आ जाते हैं ताकि हम थोड़ा तेज बोल पाए। तो गाइस अभी दादाजी ना खुद ही खड़े होने को कोई भी अड़चाड़ चाड़ चाड़ मत, नो 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 मत करिए मत करिए, खुद खड़े होने दे गाइस, ओ व्हाट गाइस देखो गाइस, अरे शिट कोई बात नहीं कोई बात नहीं गाइस, लेकिन दादाजी खुद ही खड़े हो गए थे, वेरी गुड अपने आप उठे हैं। मैंने बस यहाँ पर ऐसे हाथ रखा था ताकि दादाजी अगर नीचे बैठे दोबारा, साथ साथ चल बाबू साथ साथ चल, वेरी गुड बहुत अच्छा पापा जी, बहुत बढ़िया, अब यहाँ से घूमकर वापस उस कमरे का चित्र लगाकर रहेंगे। फोन आ रहा है बीच में यार, वापिस मुड़ जाएं सोहम, चलो इधर से घुमाओ ऐसे ऐसे, देख देख इधर अब इधर से, हाँ धीरे धीरे दादाजी के परली तरफ दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो, अरे तो घूमेंगे ना इधर से, अब ऐसे साथ साथ रही हो, बहुत अच्छे मेरे को, हाँ तो बहुत खुशी की बात है भाई, देखो खुद उठे और खुद चले हैं पापा जी, ऐसे ही धीरे 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 एक एक दिन करके, हाँ 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 क्या कर रहा है देख रही बस ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा चले ना अपने आप, अभी वहां जाएंगे कह रहे हैं चक्कर काटूंगा एक देखिए आज पापा जी खुद चल रहे हैं, चल चल के अपने आप जा रहे हैं, पूरा एक चक्कर काट के आए हैं वहां से, उठे भी खुद थे, वोकल को पकड़ा भी खुद और चलना स्टार्ट भी खुद करा, बैलेंस भी खुद बनाया, और वो हम तो अंदर थे नहीं था, अंदर चले पहले यहाँ से जोश आ गया, पहले यहाँ से गेट तक गए फिर गेट से वापस घूम कर वापस इधर आए, आजकल तो खुद कहते हैं मुझे चलाओ चलाओ, बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा,
वापिस पापा जी घूमोगे कि यहीं अंदर ही लेटोगे? बाहर जाएंगे, कह रहे हैं एक चक्कर और लगाऊंगा। चलो घूम जाओ, घूम जाओ। आज बहुत अच्छा लगा, पापा जी खुद ही देखो उठ के खुद ही चल रहा। हाँ तो गाइस अभी दादी ना गई हुई है गोभी को वैदिक के घर छोड़ने, वैदिक को तो हम लोग जानती है। और दादी दादी आ गई, दादी आ गई गाइस आपको देखो। दादी जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत वो देखो दादी को देखो, खुद उठ के वाकर को पकड़ा और चलने लग गए। फिर यहाँ पर पहुंचे तो हमने तो तब देखा जब यहाँ पहुंच गए थे। हाँ हाँ नहीं, हम तो इतनी देर से बना दादी देखो, वहां पहले यहाँ से यहाँ है गेट पे, फिर वापस घूम के वहां गए, अब वापस आ रहे हैं। खुद चले हैं, खुद उठे भी खुद थे, वॉकर को पकड़ा भी खुद था, मैं तो बस पीछे खड़ा हुआ था। वेरी गुड दादाजी, आ जाओ एक और काटोगे, यहीं बैठोगे कुर्सी पे आप? वेरी गुड दादाजी, बहुत सही है, सही चलते रहो। जाते वक्त दादाजी की स्पीड बढ़ गई। ये देखिए बड़ी मामा ने भी मेरे लिए रोज सिरप वाला दूध बनाया है। ये रोज सिरप है बीकानों का। ये गाइस देखिए बीकानों का रोज सिरप है, ये रूह अफ़ज़ा से बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। रूह अफ़ज़ा तो बहुत थोड़ा होता है, तो एकदम पिंक दूध बना देता है रूह अफ़ज़ा। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, ये रोज सिरप। चलो हेलो गाइस, मेरे बाल देखो कितने हैंडसम। ओ हो 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 हैंडसम, अपने आप को खुद ही कह कह के। गाइस 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 बेहोश मत होना गाइस, कोई बात नहीं। क्या ना होना बेहोश मत होना गाइस, ये वीडियो लड़कियों को मत दिखा, मेरी गोरवी को तो दिखा। हां मेरी गोरवी इसको कह दिया, मैंने तो कुछ आई नहीं गाइस, ये वीडियो गाइस लड़कियों को मत दिखाना है, हम बेहोश बेहोश हो जाएंगे, मेरा नाम मेरे सिर पड़ जाएगा फिर। इतने करी ने ये दो गाइस बाल देखो मेरे कितने, सब मैं बंद कर दूंगी वीडियो, कट हो गाइस ये देखो मत सोम नन्ही को देख क्या कह रही है। जेब कितनी लंबी है, अच्छा जेब पकड़ के ना बोल क्या बोलते होते हैं, क्या बोलवाते हैं वो बोल, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलियो, पक्का पक्का। अब सोम बोलेगा, सोम तू बोल के दिखा जेब पकड़ के, गेम है 50-50 रुपीस मिलेंगे। कच्चा कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ मैंने बोला एकदम सही बोला बड़ी मम्मी ने, गलत। अच्छा चल, अच्छा बिना होंठ टच करे कोका कोला बोलो पहले, मैं वो ऐसे भी टच नहीं होता, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन गौरवी, चुप ऐसे पकड़ के बिना बोल, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ ऐसे तेज तेज बोल, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। अरे ये बहुत मुश्किल होता है, चल तीन बार है, चलो तीन बार बोले, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का, गलत तीसरी बार है, एक मुझे दिया तीसरी बार इसकी, रुको पहले मैं कुछ जीभ सीधी करने दो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ बच्चा। अब ना गौरवी का बोल, कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल तो लिया, धीरे था ये तो, धीरे बोल के दिखा दे चल, ऐसी लो कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़। देखिए चार बेचारे जोकर बैठे हुए हैं, एक जोकर ध्रुव, एक दिया, एक सोहम और एक गौरवी, इन चारों में से सबसे अच्छी मेरी गौरवी, गौरवी गौरवी गौरवी, मैं तेरे को तू यहाँ बैठी होती मैं रोज बुलाती हूँ, तू बोलती ही नहीं है। बड़ी मम्मा देखो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ओए मेरा बच्चा पढ़ाई कर ली हूँ, हमारी गौरवी गाइस मेरा, मैं गौरवी गौरवी हेलो बोल, ओ हो नन्ही की आँख में देखो कुछ बड़ा गोल गोल था पत्थर, काला कंचा, काला कंचा कंचे कंचे इसका गाइस, देखो गाइस बचपन में ना मैं भी कंचो यूं खेला, तो मैंने यूं करा वो मेरी आंख में घुस गई गाइस,
मेरी आंखों में गई जब कुंचे कुछ इनकी आंख में भी घुसे मेरी आंख में धरती के अंदर जब कोई पैदा नहीं होता ना तो भगवान ने ऐसे फूक गलती से भगवान जी ने कंचे खेल लिए थे तो धरती के आंख में आके घुसा नहीं तो भगवान जी से गलती से ना उनके उसके कंचे भगवान जी से कंचे गिर गए सारे वो पर ऐसे ऐसे मार रहे थे तो विष्णु जी की बारी आई तो उन्होंने यूं मारा तो उनकी गलती तो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था तो उन्होंने मारा तो सारे नीचे गिर गए तो वो क्या हुआ तो वो हर इंसान की आंख में आके डूब गए तो गाइस ये देख सकते हो ये दो तो कंचे सबको मिले सबकी आंखों में दो तो कंचे सबकी आंखों में गिरे गाइस गौरी तेरे को कितने मिले तो जितने भगवान तो जितने सब सब हर भगवान के पास एक एक करोड़ कंचे थे नन्नी के दांत की कहानी सुनाओ आज कौन गए गौरी तेरे दांत दांत कंचे कंचे मुंह दिखा मेरा पूरा दांत खराब हो चुके हैं अरे मुंह दिखा मेरा पूरा अगर मेरा पूरा दिखाओ आप दिखा दो पहले अपने दांतों की कहानी सुनाते हो गाइस मैं तो गिन दांत भी लग रहे हैं मेरे बालों के नीचे आगे अरे नहीं इसने तो कहा वो शर्मा मार्ट में देखो चॉकलेट ले आई उसके बदले शर्मा फूड मार्ट पर गई अपने दांत शर्मा फूड मार्ट वाले भैया को दे दिए गिरवी रख के गिरवी रख लिए और वहाँ से 6-7 चॉकलेट खा ली इसने गाइस इसने सोचा दांत तो दोबारा आ ही जाएंगे मेरे तो देते जरूरी थोड़ी है दांत दांत तो आ जाते हैं लेकिन लेकिन इसके बेचारी की दोबारा आई नहीं इसके सारे दांत खराब हो गए हाँ बहुत जोर से लगी गोरवी को चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद थोड़ा तो गाइस अभी मैं और गोभी जाने लगे हैं चलो फिर मिलूंगा मैं थोड़े दिन बाद ओके ठीक है तो हम जाने लगे हैं बाय दीदी जी दादा जी को मिल लेते हैं बाय दादा जी ठीक है ओके बाय नन्नू जल्दी आना फिर गौर भी पहले बैठ गई क्या बात ठीक हो बिल्कुल ओके रिपोर्ट नींद आई है उठना गर्मी बहुत है हद से ज्यादा बहुत ज्यादा परेशानी